छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को 4 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस में हो रहे अंदरूनी फेरबदल ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने पिछले 15 दिन में 3 बड़े फेरबदल किए। पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया, फिर मोहन मरकाम को हटाकर लोकसभा सांसद दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया और अब प्रेम साय सिंह टिकाम को मंत्री पद से हटाकर मोहन मरकाम को कैबिनेट में शामिल किया गया। इस दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिला। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को अब स्कूल शिक्षा विभाग सौंप दिया गया। वहीं उनके कृषि विभाग की जिम्मेदारी अब ताम्रध्वज साहू संभालेंगे। साथ ही नए मंत्री बने मोहन मरकाम को आदिम जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी बड़े बदलाव को देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आदिवासी के बदले आदिवासी का फॉर्मूला कांग्रेस अपना रही है। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस फेरबदल क्यों कर रही है। जय जोहर, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि कांग्रेस नेताओं की नाराजगी से बचने के लिए क्या फॉर्मूला अपना रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार में हो रहे बदलाव में एक एक समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाने वाले मंत्री प्रेम साय सिंह टिकाम के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाई गई और मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया, यानी आदिवासी मंत्री का इस्तीफा लेकर आदिवासी को ही मंत्री बनाया गया। सूत्रों की माने तो सरकार के रणनीतिकारों ने आदिवासी मंत्री के बदले आदिवासी मंत्री का फॉर्मूला निकाला है, यानी वोट बैंक के लिहाज से जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा। बता दें कि प्रेम साय सिंह टिकाम और मोहन मरकाम दोनों ही गोंड आदिवासी हैं। ऐसे में मोहन मरकाम को मंत्री बनाकर गोंड समाज की नाराजगी को दूर किया गया है। वहीं खास बात यह है कि टिकाम के मंत्रिमंडल से हटने पर सरगुजा की राजनीति पर पड़ने वाले असर को देखते हुए टीएस सिंहदेव को पहले ही डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। सूत्रों की माने तो टिकाम को उनके डिपार्टमेंट को लेकर विवाद को देखते हुए फैसला लिया गया, जबकि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में भी टिकाम की चुनावी सेहत कमजोर पाई गई, जिससे लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि टिकाम को विधानसभा का टिकट भी नहीं मिलेगा। वहीं जब टिकाम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिकट के निर्णय में अभी समय है, संगठन जो तय करेगा वो करेंगे, फिलहाल 2023 के चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करना है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी में पार्टी हित में काम करना है। कांग्रेस का फोकस आदिवासी वोटर्स पर है। सीएम भूपेश बघेल लगातार आदिवासियों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद भूपेश बघेल ने आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन वापस कराने का फैसला लिया, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्तावित स्टील प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित किया था। इसके अलावा सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की, साथ ही सीएम भूपेश ने एक बाजार भी स्थापित कराया। छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी वोटर जिस पार्टी के साथ जाता है राज्य में उसकी सरकार बनती है। रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 34% वोटर्स आदिवासी हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं। इन 29 सीटों को छोड़कर भी कई ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर्स हार जीत में अहम फैक्टर निभाते हैं। यही कारण है कि चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासी के बदले आदिवासी का फॉर्मूला अपना रही है। हालांकि कांग्रेस का ये उलटफेर कितना कारगर साबित होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार।